is, what is the time? 12:30. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह के 8 बज रहे हैं, नहाना धोना मेरा हो चुका है। पापा एज यू नो साथ में आए हैं हमारे कल। दैट व्लॉग इज ऑलरेडी अप, इफ यू वांट टू गो एंड चेक इट आउट आई विल लीव इट अप इन द आई फॉर यू गाइस टू गो एंड चेक इट आउट। बट येस, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मुझे नीचे जाना है लंच बनाने के लिए। अभी एज सच पक्का नहीं है कि लंच में क्या बनाना है, वो नीचे जाके ही डिसाइड करेंगे हम कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। 2 hours later. It's 10:30 right now और मुझे ऊपर अपने रूम में अर्जेंटली आना पड़ा बिकॉज मैं घी पिघला के खाली कर रही थी, जो घी का डब्बा है हमारा उसके अंदर, और क्योंकि मैं उसको पानी में पिला रही थी तो ऊपर का पैकेट जो है उसको मुझे साफ करना था। सो वाइल आई वॉज मतलब रिमूविंग द वॉटर एंड वाइपिंग ऑफ द वॉटर फ्रॉम द ऊपर का पैकेट सो दैट पानी घी के अंदर ना जाए, अ लिटिल बिट स्पिल्ड ऑन मी एंड आई विल शो यू व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। वेट अ सेकेंड, ये पूरा डार्क डार्क दिख रहा है, ये पूरा घी है, ये यहां से लेके वहां तक पूरा घी है। तो आई हैड टू चेंज बिकॉज आई हैड नो अदर ऑप्शन। नाउ दैट आई एम चेंज्ड, आई एम गोइंग डाउनस्टेयर्स टू कंटिन्यू विद द मेकिंग ऑफ लंच। आज तुअर की दाल बनी है विथ पालक की सब्जी एंड मेरे और सागर के लिए मैंने बनाए हैं मूंग, जो होल मूंग होते हैं वो मैंने मसाला मूंग बनाए हैं मतलब वो बन रहे हैं इस टाइम पे। दाल तैयार है, पालक की सब्जी बनानी है अभी और मूंग बन रहे हैं इस टाइम पे। A few hours later. The next day. Enjoying my morning coffee. Also for lunch today we are making full gobi matar ki sabzi. Later. Later that same evening. Next morning. This is what we've been making for lunch. Gawar phali ki sabzi. Much later. And I am back into my room. It's 12 o'clock right now. कल है गणगौर तो मुझे मेहंदी लगवानी है, तो इसलिए मैं अभी ऊपर आई हूँ फटाफट। 1 बजे मेहंदी आर्टिस्ट घर पे आ जाएंगे तो मैं फटाफट से आई हूँ, क्योंकि ना बाल हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि मैंने कुछ रिमूव ही नहीं करा। सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस एपिलेटर फ्रॉम ब्राउन, बहुत पुराना एपिलेटर है, इसके तो अटैचमेंट्स भी नहीं है मेरे पास। बट जब से मैंने एपिलेटर यूज़ करना चालू किया तब से मेरी वैक्सिंग बंद हो गई है, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो, विदाउट एनी मेस यू कैन जस्ट यू नो रोल द एपिलेटर ऑन टू योर स्किन एंड यू कैन डू इट। एड नहीं है, मैं बस बता रही हूँ दैट एपिलेटर हैज़ मेड माई लाइफ वेरी ईजी, येट आई एम वेरी लेजी टू एक्चुअली यूज एन एपिलेटर टू यू नो रिमूव ऑफ माई हेयर फ्रॉम माई हैंड। एनी वे, नॉट गेटिंग इन टू टू मच ऑफ डिटेल्स, बट येस आई हैव टू रिमूव माई हेयर। नीचे लंच वगैरह सब कुछ तैयार हो गया, इनफैक्ट मैं भी लंच करके आ गई हूँ बिकॉज अभी 1 बजे मेहंदी आर्टिस्ट आएंगे एंड देयर वर्क इज़ वेरी प्रिसाइज, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है काम करने में, मतलब मेहंदी बनाने में। तो अगर वो 1 बजे डॉट भी आ गए तब भी वो लोग कम से कम उनको 5 बजे की जाने में, तो इतना टाइम उनको लगेगा मेरे दोनों हाथों में आगे पीछे लगाने में। दो टू पीपल आर गोइंग टू कम सो इट्स गोइंग टू टेक लेस टाइम, बट इवन देन इट्स गोइंग टू टेक मोर टाइम, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। बट या दैट्स दैट एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी रिमूविंग माई हेयर प्योर क्विक बिकॉज आई हैव टू। What are the odds? मतलब मैंने इतना जल्दी जल्दी किया कि यार जल्दी से मैं बाल निकाल लूँ और ये सब कर लूँ, एंड मैंने अभी एक बार रीचेक किया मेहंदी आर्टिस्ट के साथ कि वो कितनी देर में आ रहे, बिकॉज 1 बजने वाली है, सिर्फ 5 मिनट बाकी है 1 बजने में। सो आई थॉट कि मैं एक बार रीचेक कर लूँ एंड ही इज ऑलरेडी समवेयर डूइंग समवन एल्सेस मेहंदी, तो ही सेड कि कम से कम 1 घंटा लगेगा, ज्यादा भी लग सकता है इज वॉट आई एम अज्यूमिंग, ही डिडंट से बट आई एम अज्यूमिंग कि ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन 1 घंटा तो और लगेगा, विच मीन्स इज गोइंग टू कम बाई 2 o'clock। यार ये थोड़ा पहले अगर इन्फॉर्म कर देते तो मैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं करती ना। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, सो आई विल जस्ट गेट द रेस्ट ऑफ माई वर्क डन। थोड़ा सा मेरा काम बाकी है, मतलब मुझे अभी कपड़े वगैरह सुखाने हैं तो मैं वो कर लेती हूँ बाय द टाइम ही कम्स।
राइट नाउ एंड मैंने अभी वापस से मेहंदी आर्टिस्ट को कॉल किया एंड ही जस्ट सेड दैट ही इज अबाउट टू रीच. सो बाय द टाइम ही रीचेज मैं थोड़ा अपने बाल वगैरह बांध लेती हूँ एंड थोड़ा प्रिपरेशन कर लेती हूँ ऑफ एवरीथिंग दैट ही वुड रिक्वायर बिकॉज ही वुड रिक्वायर पिलोज जो मैंने अलग रख लिए हैं. इफ ही नीड्स मोर ऑब्वियसली आई विल गेट हिम दैट. एंड ही विल नीड वेस्ट क्लॉथ. तो मेरे पास वेस्ट क्लॉथ तो नहीं पर वेस्ट दुपट्टा है कॉटन का, तो वो मैंने रख लिया है. एक्चुअली मैंने उसको काट लिया है क्योंकि वो बहुत पुराना दुपट्टा है, उसका सूट जो है वो तो घिसके फट भी गया है कप का. तो अब जो है ये है एंड माई हेयर हैज बीन टाइड एंड आई एम रेडी. ये तो हो ही गया था पहले ही एंड इट्स गुड एक्चुअली ही इज कमिंग वन आवर लेट. थोड़े से जो मेरे एपिलेटर की वजह से जो थोड़े से लाल दाने जो होते हैं वो जो थोड़े उठ जाते हैं वो अब थोड़े सबसाइड हो गए हैं. सो दैट्स अ गुड थिंग एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट आवर मेहंदी डन. A few hours later. So it is 5:30 right now and I'm finally back into my room and you can see पहले मेहंदी नहीं थी, अब मेहंदी लग चुकी है. मेहंदी लगाने में इस बार ज़्यादा टाइम नहीं लगा. आई डोंट नो वाई बट शायद उनकी स्पीड अब फास्ट हो गई है या उन्होंने जल्दी लगाई है, क्या था आई डोंट नो. क्योंकि जनरली वो जब भी आते हैं ना तो कम से कम 4 घंटे तो कहीं नहीं गए, बट दिस टाइम इट डिड नॉट टेक सो मच ऑफ टाइम. मतलब 2-2.5 घंटे में मुझे फ्री कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि वो आए थे अराउंड 2:20 के आसपास एंड अभी 5:25. अभी बीच में मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था सो आई वाज टॉकिंग टू हिम, तो 10 मिनट्स वहां चले गए. वरना 5:20 के अराउंड उन लोगों ने फ्री कर दिया मेरे को विथ एवरीथिंग, विथ ये पोरवे एंड दीज मेहंदी एंड एवरीथिंग. लुक एट द मेहंदी, लुक एट दिस, इट्स सो ब्यूटिफुल. और क्योंकि मैंने एक्सटेंशन कराए हुए तो वो और अच्छा भी लग रहा है. लुक एट दिस, द वर्क इज सो गुड, सो प्रिसाइज. और जो भी अमाउंट वो मांगते हैं ना उसको देने में बिल्कुल दिल नहीं दुखता है क्योंकि काम इतना अच्छा है ऑनेस्टली. और मेहंदी लगाओ और फिर वो कम से कम अच्छी तो लगे यार अगर मेहंदी लगवाई है तो. और साल का इतना बड़ा त्योहार है, गणगौर है कल, तो ऑब्वियसली प्लस ईद भी है, तो मेरी तो ईद की मेहंदी भी हो गई और गणगौर की मेहंदी भी हो गई. एंड अगर आप कोटा के हो या आसपास के हो, दे ऑल्सो ट्रेवल फॉर ब्राइडल एंड स्टफ. सो इफ यू वॉन्ट टू बुक देम फॉर योर वेडिंग और फॉर एनी ऑफ योर स्पेशल फंक्शन एंड एनीथिंग, उनका जो इंस्टाग्राम पेज है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगी. यू विल गेट द नंबर ऑन देयर इंस्टाग्राम पेज एज वेल, तो वहां से आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड दे आर रियली रियली गुड. मतलब आप जो भी उनका अमाउंट पे करोगे ना, यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट पेइंग देम, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. मेरे को 2-2.5 साल हो गए हैं, मेरे जितने भी मेरे जो मेन फंक्शंस हुए हैं अभी तक या जितने भी मेन फेस्टिवल्स हुए हैं, मैं सब में उन्हीं से लगवाती हूँ. मुझे ये मेरी शायद 6 या 7 बार मैंने लगवा चुकी हूँ मैं अभी तक 2 साल में उनसे. ऑल्सो क्योंकि अभी मेरे पास कुछ है नहीं करने को, इट्स नॉट लाइक कुछ है नहीं, है मेरे पास, बट क्योंकि मैं लाचार हूँ अभी मैं कुछ नहीं कर सकती. आई एम गोइंग टू स्विच ऑन माय टीवी एंड आई एम गोइंग टू वॉच समथिंग ऑन दैट. ऑन अनदर नोट, आई कुड नॉट फिल्म व्हाइल दे वर अप्लाइंग मेहंदी ऑन माय हैंड ऑल्सो बिकॉज कोई था नहीं घर पे, मतलब कोई है नहीं अभी भी. मम्मी जो है वो कुछ काम कर रही थी पहले किचन में, उसके बाद फिर वो आराम कर रही थी, सो आई डिड नॉट कॉल हर अप. एंड पापा भी नहीं है घर पे, मेरे पापा और सागर भी नहीं है घर पे और भैया भी नहीं है घर पे, देयर वाज बेसिकली नोबडी. तो इट्स ओके एनीवे, सो आई एम वेरी हैप्पी यार. अच्छी मेहंदी लगती है ना हाथ पे तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है, यू कैन सी ऑन माय फेस आई एम सो हैप्पी. थैंक यू. लेटर दैट नाइट, सूखी मेहंदी खिलाने के बाद मैं नीचे गई फॉर माय हेना आफ्टर केयर. और मैं ये ऐसे करती हूँ, ये लौंग मैं किसी भी लोहे के बर्तन में लेके उसको अच्छे से गर्म कर लेती हूँ और फिर उसके ऊपर मैं अपने हाथ सेकती हूँ उस लौंग की गर्माहट लेने के लिए, सो दैट रंग अच्छा चढ़ जाए. अगर आपको आपकी मेहंदी एकदम डार्क करनी है देन दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक. क्योंकि अगर आपने अभी वो 12 रन बनाने नहीं शुरू किए तो 2 ओवर के बाद हम ही कह रहे होंगे कि 14 की हो गई है आस्तिक रेट. फ्रेम बाय फ्रेम प्लीज, फेयरली कलेक्टेड बॉल इन हैंड,
the batter out of his ground, ready for the big sprint decision. तो लग ही नहीं रहा था कहीं से भी कि गुजरात टाइटंस यहां से मैच जीत सकती है. गुजरात टाइटंस सातवें नंबर से शुरुआत करी थी, पहुंच गई अब छठे नंबर पे. The next morning. Today is the 11th of April और आज है गणगौर एंड ईद. सो अ वेरी हैप्पी गणगौर एंड ईद मुबारक. दिस इज वॉट माई मेहंदी लुक्स लाइक. अभी तो ये और डार्क होएगी, अभी तो दिस इज जस्ट डार्क ब्राउन या ब्लैक तक जाएगी एंड आई नो दिस. आई कुडंट शेयर द आफ्टर केयर अदर देन द लॉन्ग वाला थिंग बिकॉज ऊपर आते ही मैंने विक्स लगा ली थी अपने हाथों पे. मतलब नीचे से आने से पहले मैंने सरसों का तेल लगा लिया था और फिर ऊपर आते ही मैंने ढेर सारी विक्स लगा ली थी. तो आई केप्ट दैट विक्स ऑन माई हैंड्स फॉर एटलीस्ट एन आवर. फिर उसके बाद मैंने उसको वाइप कर दी बिकॉज आई हैड टू स्लीप और मेरा जो कम्फर्टर है वो वाइट है. सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक चांसेस कि उसके ऊपर मेहंदी के दाग लग जाए वरना फिर वो निकलेंगे नहीं. सो दैट्स दैट. अभी सुबह के 7 बज रहे हैं ना. जस्ट वोकअप मतलब आधा घंटा हो गया मुझे उठे हुए. आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी मॉर्निंग हो गई है क्योंकि एक तो ओरियो को बाहर टेरेस पे निकाला फ्रेश वगैरह होने के लिए, तो वहीं पे रुक गया और इतनी ज्यादा भौंकना उसने चालू कर दिया ना, उससे एक तो नींद खुल गई और ऊपर से आज पता नहीं क्यों 5:30 बजे से ऑन एंड ऑफ नींद आ रही है. तो एक वो भी सीन था यार, मेहंदी लगा के हाथ कितने सुंदर दिखते हैं. आई गेट ऑब्सेस्ड विद माई हैंड्स आफ्टर गेटिंग मेहंदी डन ऑन माई हैंड्स. आई डोंट नो व्हाई, मतलब मुझे मेहंदी कुछ ज्यादा ही पसंद है और बचपन से. इट्स नॉट लाइक कि अभी शादी के बाद से ज्यादा क्रेज चढ़ा है, बचपन से मेहंदी पसंद है मुझे. मुझे कोई बस छोटू छोटू ओकेजन चाहिए मेहंदी लगाने के लिए, वो सीन है मेरे साथ. सो या अभी मैं बस नीचे जाऊंगी, पहले तो मैं फ्रेश होंगी, फ्रेशन अप होके फिर मैं नीचे जाऊंगी पापा के लिए चाय बनाने. क्योंकि आज क्या है, मम्मी और पापा गए हुए हैं हमारे पुराने वाले घर पे, वहाँ पे क्या माता जी का मंदिर है, चौथ माता का मंदिर है बेसिकली. तो वो लोग गए हुए हैं वहाँ पे पूजा करने के लिए क्योंकि नवरात्रि चल रही है. हम लोग भी जाएंगे एक दो दिन में, पहले सारे बड़ों का टर्न कंप्लीट हो जाए फिर बच्चे स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लोग जाएंगे. तो वो लोग गए हुए हैं वहाँ पे तो इसलिए नीचे चाय बनाने के लिए मम्मी नहीं है. तो अभी पापा जो है बाहर से घूम कर आए हैं, मतलब मेरे पापा बाहर से घूम कर आए हैं. सो अब मैं नीचे जाऊँगी और फिर उनके लिए चाय बनाऊँगी, फिर उसके बाद ऊपर आके और फिर वापस आऊँगी मैं ऊपर, फिर देखते हैं क्या करना है. चाय बनाने के थोड़ी देर बाद ही आई स्टार्टेड मेकिंग लंच बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू फालतू में वेस्ट माई टाइम. तो इसलिए आई यूटिलाइज द टाइम एंड आई स्टार्टेड मेकिंग लंच. लंच में बनाई पत्ता गोभी की सब्जी झोल वाली. सो इट इज 10:30 राइट नाउ. मैं अभी भी नीचे ही बैठी हुई हूँ. मैं सुबह से नीचे आई हूँ, तब की मैं नीचे ही हूँ, मैं ऊपर नहीं गई बिकॉज मैं पापा से थोड़ी देर बात करने बैठ गई थी और फिर उसके बाद में मैं खाने में लग गई. पत्ता गोभी की सब्जी है जो बना चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, वो काम हो गया है. बस रोटी बनानी है तो वो भी अभी मैं थोड़ी देर में बना दूंगी. एंड मैं रोटी आज अभी इस टाइम पे इसलिए बना के ऊपर चली जाऊंगी बिकॉज आई स्प्रेन्ड माई लेग लास्ट नाइट. तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करूंगी. मैं एक बार रोटी बना के ऊपर गई, उसके बाद मैं वापस नीचे सीधा शाम को ही आऊंगी बिकॉज ज्यादा ऊपर नीचे के फ्लोर पे करने पे फिर दर्द भी बहुत ज्यादा होगा. आई शो यू गाइज व्हाट लेग इट इज. इट इज द राइट लेग बट वो एग्जैक्टली कहाँ हुआ है वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को. सो दैट इज द अपडेट फॉर नाउ. तो अभी मुझे बस रोटियां बनानी है, सब्जी मेरी तैयार हो गई है एंड कॉफी भी मैंने पी ली है. तो वो भी एक काम जो है वो खत्म हो चुका है, इसलिए भी मैं बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हूँ उस टाइम पे क्योंकि अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले मेरी कॉफी खत्म हुई है. तो आज थोड़ा दिन बहुत फास्ट जा रहा है क्योंकि 5:30 बजे से लाइक आई सेड इन द मॉर्निंग 5:30 बजे से ऑन एंड ऑफ और फिर उसके बाद 7:30 बजे से नीचे हूं मैं. तो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा है दिन बिकॉज बहुत जल्दी काम हो चुका है आज. तो मम्मी अभी गई हुई है गणगौर की पूजा करने, गणगौर माता की पूजा करने के लिए. माई डैड इज ऑल्सो नॉट एट होम, वो हॉस्टल गए हुए हैं. सागर इज ऑल्सो नॉट एट होम, वो गए हुए हैं तलवंडी. पापा तो ऑब्वियसली उनके काम के लिए, मेरे फादर इन लॉ वो निकले हुए हैं ऑलरेडी अपने काम के लिए. और भैया इज घूमिंग, वो कल जो है एक माता जी के दर्शन करने के लिए कहीं गए थे, फिर वहां से वो सांवरिया जी वगैरह श्रीनाथ जी वगैरह निकल गए. तो इज गोइंग टू कम टुडे, कितनी बजे तक आएंगे वो नहीं पता मुझे बट यस इज गोइंग टू कम टुडे. तो दैट्स दैट एंड या दैट इज द अपडेट फॉर नाउ. देन मेड रोटीज जल्दी जल्दी सो दैट आई कुड गो बैक इन टू माई रूम एंड गिव माई लेग द रेस्ट इट नीडेड बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम.
later. So it's 12:30 right now and I'm finally back into my room. I just wanted to give you guys an update on my sprain. I just opened the crepe bandage, so I want to show you what exactly is the swollen area looking like at the moment. If you can see this thing swollen here, this is where my sprain is and this is where it's actually paining a lot. This joint right here, it's not fractured that I know of. क्योंकि फ्रैक्चर होता ना तो मैं पैर जमीन पे भी नहीं रख पाती, इतना दर्द होता. सो दिस थिंग आई एम 100% श्योर दैट इट्स नॉट अ फ्रैक्चर और अ लिगमेंट टेयर और एनीथिंग ऑफ दैट मेजर सॉर्ट, बिकॉज इफ इट वाज तो मुझे पता है इतना कि अगर इतना ज्यादा कुछ होता कि फ्रैक्चर होता या लिगमेंट टेयर होता या ऐसा कुछ भी तो मैं पैर भी जमीन पे नहीं रख पाती, इतना दर्द होता मेरे को. तो इट्स अ स्प्रेन, इट्स गोइंग टू टेक अ डे और टू, बट यस इट इज पेनिंग एट द मोमेंट. मेनी मेनी मिनट्स लेटर. It's 4:30 right now और जितना fast सुबह का time गया था उतना ही slow अभी afternoon जा रही है, क्योंकि अभी सिर्फ 4:30 हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार 6:30-7 होने वाला है and it's time for going downstairs to prepare dinner, but when I saw at the clock I realized कि नहीं, it's only 4:30 right now. तो अभी का ये सीन है कि कुछ है नहीं बाकी करने को, शाम को बस डिनर बनाना है. तो मैं सोच रही हूँ कि इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर दूँ, बिकॉज डिनर अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या बनाऊँगी, बट अगर कुछ हुआ एज सच तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कैप्चर इट और फिर मैं बीच में कहीं डाल दूंगी आफ्टर द आउट्रो और वट एवर. बट अभी का बस यही सीन है कि कुछ भी नहीं है काम, तो आई फील लाइक कि मैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करके और मैं इस व्लॉग के फाइनल एडिट्स करके एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू स्केड्यूल इट फॉर टुमारो, अपलोड एंड स्केड्यूल इट फॉर टुमारो. ऑल्सो मेहंदी लगी है, सो यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ हैंड मोमेंट्स बिकॉज आई एम एंजॉइंग माई हैंड्स, सो आई एम गोइंग टू, यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ हैंड मोमेंट्स. बट या दैट इज दैट. एंड अभी मैं इस वीडियो के, इस व्लॉग के, इस पर्टिकुलर व्लॉग के जिसमें मैं आपसे इस बारे में बात कर रही हूँ, उसके फाइनल एडिट्स करने के बाद जब मैं उसको अपलोड कर दूंगी उसके बाद मैं मूवी देखूंगी मेड ऑफ ऑनर. इस मूवी के बारे में सारा सरोज ने अपनी एक करंट फेवरेट्स वाली वीडियो में बात करी है, दैट शी रियली इंजॉयड रीवॉचिंग द वीडियो, सॉरी रीवॉचिंग द मूवी. वीडियो ही चल रहा है अभी दिमाग पे, रीवॉचिंग द मूवी. तो इसलिए मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया, क्योंकि अभी कुछ है नहीं करने को, तो मेरे दिमाग में नहीं आया समझ कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ. एंड दैट इज वाई आई एम जस्ट गोइंग टू वॉच दैट मूवी एंड देन I don't know, तब तक शायद टाइम हो जाएगा नीचे जाने का. सो दैट इज अबाउट इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो हाउ यू एंजॉयड वॉचिंग. आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू गाइज. शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, इफ यू एंड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, प्लीज डू दैट. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक्स टू ऑल माय सोशल मीडिया हैंडल्स आर गोइंग टू बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन बाय.